ज्योति तालुका में मलेरिया की बीमारी व्याप्त है, क्योंकि ज्योति में कोई अस्पताल उपलब्ध नहीं है। मरीजों को इलाज के लिए गरचांतूर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरीजों का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति संतोषजनक है। वहां कमी देखी गई कि अस्पताल में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, शौचालय में पानी नहीं था और अस्वच्छ शौचालय आदि थे। ज्योति तालुका के कागपन, नाकराला, मारुतिगुड़ा, नानक पत्थर, कालीगुड़ा में पिछले सप्ताह से मलेरिया फैला हुआ है। अब तक मरीजों की संख्या 42 से ऊपर पहुंच चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा मरीज ब्रेन मलेरिया के पाए जा रहे हैं। हालांकि सभी मरीजों का इलाज गरचांतूर के ग्रामीण अस्पताल में चल रहा है, लेकिन गांव में डर का माहौल है। ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए ज्योति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ग्रामीण अस्पताल का दर्जा मिला। हालांकि निर्माण पूरा हो गया, लेकिन सरकार उद्घाटन का समय नहीं निकाल सकी। परिणाम स्वरूप ज्योति तालुका के मरीजों को ज्योति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराना पड़ता है। दवा और अन्य उपचार की कमी के कारण मरीजों को गरचांतूर ग्रामीण अस्पताल में जाना पड़ता है और वित्तीय और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक कार्यकर्ता भूषण फूसे ने चेतावनी दी है कि गरचांतूर ग्रामीण अस्पताल में पीने के पानी, स्वच्छ शौचालय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था में तुरंत सुधार किया जाना चाहिए और मरीजों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए ज्योति ग्रामीण अस्पताल को तुरंत खोला जाना चाहिए, अन्यथा ज्योति के निवासी राज्य सरकार व प्रशासन के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेंगे। आज आम्ही गरचांतूरच्या शासकीय रुग्णालयात आलेलो आहे। आमच्याकडे अशी बातमी आली की ज्योति तालुक्यामध्ये अनेक गावांमध्ये अस्वच्छता व साचलेल्या पाण्यामुळे तिथल्या अनेक नागरिकांना ब्रेन मलेरिया झालेला आहे आणि वस्तुस्थिती पाहता आत्ता सुद्धा इथे दोन पेशंट ब्रेन मलेरियाचे आम्हाला दिसले आहेत। आणि दुर्दैव असं आहे की ज्योतीवरनं नाहक त्रास सहन करून प्रवास करून आर्थिक भूदंड भोगून सुद्धा इथल्या नागरिकांना गडचांदूरच्या शासकीय रुग्णालयामध्ये साधी पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही। इथले सगळे संडास बाथरूम अस्वच्छ आहे, घाण पसरलेली आहे आणि संडासला सुद्धा पाणी नाही। आणि आमचा असा महाराष्ट्र शासन प्रशासनावर व राजकीय पुढाऱ्यांवरती हा आरोप आहे की जर ज्योतीला प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ग्रामीण रुग्णालयाची परवानगी मिळालेली आहे, बिल्डिंगचं बांधकाम पूर्ण झालेलं आहे, तरी सुद्धा केवळ उद्घाटन नाही केलं, या कारणामुळे ज्योतीच्या नागरिकांना असा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। आणि महाराष्ट्र शासन व प्रशासन जे विकासाचे धडे आणि फेकगिरी करत आहे याचा सुद्धा जाहीर निषेध करतो। येत्या काळात जर लवकरात लवकर ज्योतीच्या रुग्णालयाचं उद्घाटन करून तिथे जर मूलभूत सुविधा ज्योतीच्या नागरिकांना नाही दिली तर मी ज्योतीच्या लोकांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरून आम्ही तीव्र आंदोलन करू, याचा आम्ही आज गंभीर इशारा देतोय। धन्यवाद। NBC न्यूज के लिए चंद्रपूर से कृष्णा कुमार की रिपोर्ट।